हीटिंग सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से वहाँ ठंड लगती है। ऐसा सिटी भी है जहाँ पर मिड नवंबर में टेम्परेचर है 17, जी हाँ -17 नहीं सिर्फ 17, और वो वैंकूवर बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है मैं अपने व्लॉग्स में आपको दिखाती हूँ कनाडा की ब्यूटी। तो आज जब सुबह मैं उठी और इस तरह का मैंने वेदर देखा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कनाडा का वेदर, क्योंकि हर न्यू आने वाले के माइंड में ये सवाल ज़रूर होता है कि हमें किस एरिया में जाना चाहिए जहाँ का वेदर इस तरह का ना हो कि हमें लगे कि बहुत ही अजीबोगरीब सी दुनिया में हम आ गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले लोग स्नो को एंजॉय करने के लिए जाते हैं मरी, नारान, कागान, शिमला, लेकिन जब वो कनाडा में आते हैं रहने के लिए तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि ऐसे एरिया में रहें जहां पर स्नो कम हो। वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया के अलावा बाकी पूरे कनाडा में ही स्नो होती है। वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो वहाँ पर स्नो नहीं होती लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वेदर इतना अच्छा नहीं है जितना हम सोचते हैं कि स्नो नहीं है तो वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय है। और अब बात करते हैं किंगस्टन ओंटेरियो की। इस वक्त हम किंगस्टन में हैं, मिड नवंबर चल रहा है और आज पहली स्नो हुई है, वो भी आप देख सकते हैं बहुत लाइट लाइट है। लेकिन एक मज़े की बात आपको बताती हूँ कि कनाडा में एक ऐसा सिटी भी है जहाँ पर मिड नवंबर में टेम्परेचर है 17, जी हाँ -17 नहीं सिर्फ 17, और वो वैंकूवर बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ अल्बर्टा का एक छोटा सा टाउन सिल्वन लेक, वहाँ का वेदर आप देख सकते हैं मिड नवंबर का ये वेदर है -14। सिल्वन लेक में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कनाडा आए थे तो हम सिल्वन लेक में एक साल रहे थे और हमने विंटर पहला विंटर अपना सिल्वन लेक में गुजारा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर से इस तरह की स्नो स्टार्ट होती है और अप्रैल तक जाती है, बहुत लंबा विंटर होता है। चलें सिल्वन लेक के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैलगरी का वेदर। वैसे कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है लेकिन कैलगरी में सिल्वन लेक की नस्बत कम स्नो होती है। इस टाइम मिड नवंबर में वहाँ है -11 टेम्परेचर और स्नो होती है इस टाइप की। जितना भी टाइम हमने अल्बर्टा में गुजारा है यकीन जाने एक बार भी हमने ऐसा नहीं कहा कि हमें ठंड लग रही है, क्योंकि घर फुली हीटेड होते हैं, बहुत अच्छे से हीटिंग सिस्टम है वहाँ पर। जबकि आप वैंकूवर अगर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, स्नो नहीं होती लेकिन वहाँ रेन बहुत ज़्यादा होती है, और घरों में हीटिंग सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से वहाँ ठंड लगती है। वेदर के हवाले से अल्बर्टा में जाने वालों को मैं यही कहूँगी कि घबराना नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो अल्बर्टा के बजाय ओंटेरियो आएँ, ब्रिटिश कोलंबिया भी ना जाएं। इसकी रीज़न क्या है ये आगे चल के देखते हैं। दो साल अल्बर्टा में गुजारने के बाद हम पहुंचे ओंटेरियो, किंगस्टन ओंटेरियो, और आप देख सकते हैं मिड नवंबर में -1 टेम्परेचर है और सिर्फ एक बार स्नो हुई है अभी तक, वो भी बहुत लाइट लाइट। ऐसा नहीं है कि ओंटेरियो में स्नो नहीं होती, ओंटेरियो में स्नो होती है लेकिन टाइम पीरियड बहुत कम है। यहाँ पर आपको स्नो अक्टूबर में नहीं मिलेगी, नवंबर में बहुत कम मिलेगी, दिसंबर में भी बहुत कम मिलेगी, हाँ जनवरी और फेब ये दो मंथ ऐसे हैं जहाँ पर आपको स्नो नज़र आएगी और बिल्कुल वैसी ही नज़र आएगी जैसी आपको अल्बर्टा में अक्टूबर में नज़र आती है। ओंटेरियो के सारे मौसम ही खूबसूरत हैं। खिज़ा की वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी वो वीडियोस। और आप देख सकते हैं ये हमारे घर के सामने का एरिया है और यहाँ पर एक दिन स्नो हुई है तो कुछ इस तरह का मंज़र नज़र आ रहा है, और नेक्स्ट डे आप देखें स्नो बिल्कुल गायब हो गई है और बहुत खूबसूरत वैसा ही खिज़ा जैसा मौसम दोबारा से हमें नज़र आ रहा है, लगता ही नहीं कि यहाँ पर स्नो हुई है। चलें अब मैं आपको वो शहर बता देती हूँ जिसका टेम्परेचर मिड नवंबर में भी 17 है और समर में मैक्सिमम 25 तक जाता है, विंटर में मिनिमम -8 तक जाता है, और उस शहर का नाम है विंडसर ओंटेरियो। चलें अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा।